शाहरुख खान के पठान से 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। फिल्म में किंग खान का एक्शन अवतार जहां फैंस को पसंद आया, तो टाइगर बन सलमान खान का कैमियो भी किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। दोनों खान को वर्षों बाद एक स्क्रीन स्पेस साझा करते देखने हर किसी को भा गया। वहीं अब फैंस पठान और टाइगर को एक साथ देखने के बाद स्पाई यूनिवर्स को लेकर थ्योरी बना रहे हैं। पठान और टाइगर को एक साथ फिल्म में देखने से साफ जाहिर होता है कि स्पाई यूनिवर्स बड़ा हो रहा है। पठान में टाइगर बन सलमान ने कैमियो किया, तो टाइगर 3 में शाहरुख कैमियो करेंगे। इस सब के बीच कहा जा रहा है कि वॉर के एजेंट कबीर भी पठान और टाइगर का साथ देने के लिए आएंगे। फैंस फिल्म से मिले कुछ हिंट के बाद अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन की भी स्पाई यूनिवर्स में एंट्री होने की पूरी संभावना है। तो दरअसल वॉर में आशुतोष राणा ने कर्नल लूथरा का किरदार निभाया है, वहीं पठान में भी आशुतोष राणा कर्नल लूथरा का ही किरदार में नजर आए हैं। साथ ही फिल्म में उनका लुक भी हूबहू वैसा ही है। इतना ही नहीं, पठान में कई बार कर्नल लूथरा एजेंट कबीर का जिक्र करते भी नजर आते हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टाइगर, पठान और एजेंट कबीर एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। इसी के साथ बता दें कि पठान की रिलीज को 5 दिन हो गए हैं और ये अभी तक 282 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।